हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान की फिल्म कुछ होता है के बारे में। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ अननोन फैक्ट हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों कुछ होता है 90 के दशक की सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। फिल्म में प्यार, दोस्ती, मासूमियत, ईमानदारी सब कुछ इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि जब भी यह टेलीविजन पर प्रसारित होता है तो हम इसे देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं शाहरुख खान की फिल्म कुछ होता है से रिलेटेड कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले इस फिल्म में करण चाहते थे कि रानी की आवाज़ को डब किया जाए, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया और रानी का कर्कश स्वर बाद में उनका हक सातर बन गया। टीना की भूमिका बाद में रानी मुखर्जी ने निभाई, जिसकी सिफारिश आदित्य चोपड़ा ने की थी। दूसरा अननोन फैक्ट ये है कि अमन के रूप में सलमान खान के मनमोहक प्रदर्शन ने एक बार फिर उनका दिल जीत लिया था। हालांकि वो भूमिका निभाने के लिए सबसे पहले वो पसंद नहीं थे। इस किरदार के लिए सैफ अली खान को संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इस भूमिका को ठुकरा दिया और सैफ की हाल ही सलमान के लिए लाभ बन गई, क्योंकि इस भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी दिलाया। तीसरी अननोन फैक्ट ये है कि इस फिल्म का गाना ये लड़का है दीवाना गाने की शूटिंग के दौरान काजल गंभीर रूप से घायल हो गई। सीक्वेंस के दौरान वह साइकिल से गिर गई और बेहोश हो गई। काजल के लिए गिरावट इतनी बुरी थी कि उनकी याददाश्त अस्थायी रूप से चली गई थी। एकमात्र व्यक्ति जिसे वो याद कर सकती थी वो उनके लवर यानी अजय देवगन थे, जो अभी के उनके पति हैं। शाहरुख खान ने काजोल को यह भी समझाया कि जिस समय उन्होंने अपनी याददाश्त खोई थी उस दौरान वह एक जूनियर आर्टिस्ट थी। नंबर 4 अननोन फैक्ट ये कि कुछ होता है बेहद लोकप्रिय आर्चीज कॉमिक्स पर आधारित है। जुगल हंसराज ने शावर में तुम पास आए की धुन बनाई और करण जौहर को दे दी थी। नंबर 5 फैक्ट ये है कि जूनियर अंजलि, जिसका नाम सना सईद है, जिन्होंने फिल्म के लिए काफ़ी प्रशंसा बटोरी और जिन्हें अब भी अक्सर अंजलि के नाम से संबोधित किया जाता है, न कोई भी मौक़ों पर उन्हें दृश्य के लिए ग्लिसरीन का उपयोग करना था, लेकिन उन्होंने इसको करने से इनकार कर दिया, जिनमें उन्हें रोना था लेकिन वह रो नहीं पा रही थी, तो करण जौहर ने इसके लिए उनको सुना दिया जिसके कारण उनको रोना पड़ गया। नंबर 6 फैक्ट ये है कि शाहरुख खान और काजोल ने बास्केटबॉल दृश्य के लिए कूदने के लिए ट्रैम्पोलिन का उपयोग किया था। नंबर 7 फैक्ट ये है कि फिल्म का इमोशनल क्लाइमेक्स शुरुआत में शाहरुख खान को पसंद नहीं आया था। वो अभिनेता जो स्क्रीन पर तुरंत रो सकता है न कहा कि इसमें बहुत अधिक रोना है। फिल्म देखने के बाद सुष्मिता सेन ने शाहरुख से कहा कि वो अभिनय को गंभीरता से लेना चाहती है। फिल्म में टीना की मौत का सीन शामिल करने का आइडिया काजोल का था। 8वीं अनसुनी फैक्ट ये है कि पर्दे पर जो छोटे सरदार लड़के का किरदार निभाने वाले परजान दस्तूर ने फिल्म में अपनी एकमात्र पंक्ति तुसी जा रहे हो तुसी ना जाओ को भी डब नहीं किया। इसे एक अन्य बाल कलाकार केवल छेरा द्वारा डब किया गया था। 9वीं फैक्ट ये है कि करण जौहर ने शुरू में कोई मिल गया गाने की लाइन मैं तो हिल गया से दिक्कत थी, क्योंकि उन्हें लगा कि यह डाउन मार्केट लगती है, लेकिन बाद में वह इस पर सहमत हो गए। नंबर 10 फैक्ट ये है कि साजन जी घर आए की शूटिंग के दौरान सलमान खान और काजोल बात नहीं कर रहे थे, उन लोगों के बीच बात ना करने के एग्रीमेंट साइन हुए थे। इस फिल्म से रिलेटेड अगली फैक्ट ये है कि जौहर ने सबसे पहले कहानी लिखी जो एक टॉम बॉय और एक बहुत सुंदर लड़की की थी। दोनों लड़का और लड़की के बीच में प्रेम था, लेकिन उन्होंने इस विचार को टाल दिया। फिर उन्होंने एक विधवा और उसके बच्चे के बारे में एक और कहानी लिखी जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। आखिरकार उन्होंने कुछ होता है के लिए दोनों कहानियों का एक में मिलान करके इस कुछ होता है को बनाया। दोस्तों अगली फैक्ट ये कि भले ही शाहरुख खान के कपड़े काफ़ी चर्चाएं में थे इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद, लेकिन शाहरुख खान को इस कपड़े पहनने में बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, क्योंकि ये सब कपड़े उनके बहुत ही टाइट हो रहे थे। इस फिल्म से रिलेटेड अगले फैक्ट ये है कि दोस्तों एक इस फिल्म का जो गाना है लड़की बड़ी अनजानी है, उसमें काजोल का एक हंसने का सीन है जिसे वो शूट नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो उन्हें बहुत ही ड्रामेटिक लग रहा था।
अगली फैक्ट ये है कि दोस्तों करण जौहर जब इस फिल्म को बना रहे थे तो उनको ये फिल्म की स्टोरी काफ़ी सिली लगी, लेकिन ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो एक आइकॉनिक फिल्म बन गई। दोस्तों आपको इस फिल्म में अलग अलग किरदार भी देखने मिलेंगे जो जाके अभी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस फिल्म में आपको कोरियोग्राफर गीता कपूर देखने मिलेगी और डायरेक्टर निखिल अडवाणी और करण जौहर की मॉम हीरू जौहर, ये सब इस फिल्म में अलग अलग शॉट में आप देख सकते हैं। अगले फैक्ट ये है कि वो सीन जब राहुल और अंजलि फाइनली जब मिल जाते हैं, उस वक्त जब शाहरुख भी हल्के हल्के रो रहे होते, उस वक्त काजोल ने भी सचमुच का रोया था। और आपको क्या पता है कि जब राहुल और अंजलि का रीयूनियन हुआ उस टाइम करण जौहर सच में रो दिए थे। अगली फैक्ट ये है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शाहरुख और गौरी अपना फर्स्ट चाइल्ड आर्यन को एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस फिल्म से रिलेटेड अगली फैक्ट ये है कि शाहरुख खान को छोटा सरदार इतना पसंद आया उसका ड्रेसअप कि जब आर्यन खान जन्म लिए तो शाहरुख ने उनका हूबहू उसी प्रकार का ड्रेसअप करवाया था। और क्या आपको पता है कि इस फिल्म में जो टीना का डेथ हो जाता है वो आइडिया काजोल का था। दोस्तों इस फिल्म में जो शाहरुख खान ने पोलो स्पोर्ट टी शर्ट पहन रखा था उसका कॉस्ट $75 थी और इसे करण जौहर और मनीष मल्होत्रा ने 3 घंटे तक इस पे डिबेट किया था इस टी शर्ट को लेने से पहले। दोस्तों एक गाना है लड़की बड़ी अनजानी है, इस फिल्म में आपने देखा होगा कि किस तरह से काजोल की साड़ी हवा में लहरा रही होती है। ये सीन एक मजाक के तौर पे फराह खान और जौहर के बीच में शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे गाने में इंक्लूड किया गया था, लेकिन काजोल को ये पसंद नहीं आया तो उसे ये आइडिया काफ़ी स्टूपिड लगा था। दोस्तों अगली फैक्ट ये कि हर फिल्म में आपको फर्स्ट चॉइस और फाइनल चॉइस अलग अलग देखने मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऐसा फिल्म है जिसमें फाइनल और फर्स्ट चॉइस शाहरुख खान और काजोल ही थे, क्योंकि जब DDLJ की शूटिंग चल रही थी उस टाइम करण जौहर वहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर थे और उस टाइम उन्होंने प्रॉमिस कर रखा था कि मेरी जो फिल्म होगी उसमें आप दोनों ही कास्ट होंगे। इसलिए जब करण जौहर ने इस फिल्म के लिए अप्रोच किया तो उन्होंने एक बार में ही हाँ कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि करण जौहर की ये पहली फिल्म थी जिसे उन्होंने डायरेक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और इस फिल्म को उन फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला और बेस्ट स्क्रीन प्ले का भी अवार्ड मिला। तो दोस्तों इतनी सारी अननोन फैक्ट थे इस फिल्म से रिलेटेड, तो कैसा लगा आपको जान के कि आपको इसमें से कुछ भी पता था पहले से और आपको मज़ा आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।